हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चिल्ली पनीर। इसे बनाना बहुत आसान है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और यह बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए पनीर 300 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, मैदा 2 चम्मच, शिमला मिर्च 1, प्याज 2, लहसुन 8 से 10, अदरक 2 इंच, कॉर्नफ्लोर जिसे अरारोट भी बोलते हैं 1 चम्मच, पानी ज़रूरत के अनुसार, तेल फ्राई करने के लिए टमाटो सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच जो कि ऑप्शनल है, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 2 कटी हुई हरी मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 300 ग्राम कटे हुए पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने बड़े बड़े क्यूब्स में काटा हुआ है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, मीन्स लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें बहुत ही कम डालना है, मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इन सब चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो पनीर के क्यूब टूट सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिसे अरारोट भी कहते हैं। अब मैदे और कॉर्नफ्लोर को भी हम पनीर में हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है ये पनीर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें 7 से 8 चम्मच रिफाइन ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे पनीर के क्यूब्स डालेंगे और पनीर के टुकड़ों को हल्का ब्राउन होने तक उलट पलट के भून लेंगे। इस दौरान हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो ये पनीर के क्यूब्स जल सकते हैं। अब जो ये पनीर के क्यूब्स हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मीन्स ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसे हम टिश्यू के ऊपर निकालेंगे, मीन्स प्लेट में पहले टिश्यू लगा लेंगे फिर निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम फिर से एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने हल्का गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 8 से 10 कटे हुए लहसुन डाल देंगे। 2 इंच हमने कद्दूकस करा हुआ अदरक लिया है, उसे भी डाल देंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को हमने बड़ा बड़ा क्यूब्स की फॉर्म में काटा है, मीन्स उसके स्क्वायर टाइप के बना लिए हैं। और इसमें हम 2 कटी हुई प्याज डालेंगे। एक प्याज को हमने 4 टुकड़ों में काट के उसके जो ये पत्ते होते हैं उनको अलग अलग कर लिया है। अब प्याज और शिमला मिर्च को हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें शिमला मिर्च और प्याज को पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालेंगे, आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉसेस को डालते वक्त फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक मैंने 1/4 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और जो सॉसेस होते हैं उसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ा नमक होता है तो उसको ध्यान में रखकर ही डालें। अब इसमें हम लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं ये जले नहीं। और इस दौरान हमें फ्लेम एकदम लो रखना है। अब सबसे लास्ट में हमें इसमें सिरका डालना है। सिरका हमने 1 चम्मच लिया है, मीन्स विनेगर लिया है। और अब हम इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। इस ग्रेवी को पकते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे और पनीर को हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं 1 पिंच लगभग ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी लेके मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ताकि जो इसका कलर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप आए। अब जो ये हमारा चिल्ली पनीर है ये बनकर तैयार है। इसे हम 1/2 से 1 मिनट तक लो फ्लेम पे और पका लेंगे और उसके बाद हम इसे स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लेंगे। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। सो आप इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
सो एवरीवन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।